ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइज, आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलेगा द बिग डॉग रोमन रेंस वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बीच एट रेसलमेनिया 34। और इस मैच को होने में बस अब कुछ ही घंटों का समय बाकी है, तो आई एम श्योर आप लोग इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो चलिए आपकी एक्साइटमेंट करते हैं डबल और इस मैच के बारे में बात करते हैं कि इस मैच से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या कुछ हमें इस मैच के अंदर देखने को मिल सकता है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं रेसलमेनिया 34 के मेन इवेंट की, क्या वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा। तो चांस सबसे ज्यादा यही है कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर लड़ेंगे रेसलमेनिया 34 के मेन इवेंट मैच में। अब इस मैच के बारे में कंफर्म बात करें कि इस मैच में हमें जो चीज देखने को मिलेगी वो है रोमन रेंस का F5 पर किकआउट करना, अगर रोमन रेंस इस मैच को जीतने वाले हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं WWE ने पिछले कुछ टाइम से F5 को बिल्कुल बचा कर रखा है, मतलब ब्रॉक लेसनर मैच में किसी के भी साथ है, चाहे सामने कितना ही तगड़ा अपोनेंट है, लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर एक F5 लगाए तो मतलब सामने वाले सुपरस्टार का खेल खत्म। जैसे कि हमने नो मर्सी के अंदर भी देखा था, ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे भयानक सुपरस्टार, मैं कहूं इतने जबरदस्त सुपरस्टार जिनको WWE इतना अच्छा बुक कर रही थी, वो भी ब्रॉक लेसनर के सामने एक F5 से हार गए। तो ऐसे में WWE ने F5 को बचाकर इसलिए रखा था ताकि जब रोमन रेंस रेसलमेनिया 34 में ब्रॉक लेसनर से मैच लड़े और ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को F5 लगाए तो रोमन रेंस उस मूव पर किकआउट करें और जब वो यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे तो वो और भी ज्यादा इस चीज से स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे। इसके अलावा एक कंफर्म चीज यहां पर ये भी कि ये मैच काफी ज्यादा ब्रूटल एंड फिजिकल होने वाला है। जैसे कि हमने रॉक एपिसोड्स में देखा था, हमने चेयर शॉट देखे, हमने स्टील स्टेप्स का यूज देखा, साथ साथ ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को स्टील स्टेप के ऊपर भी F5 दिया। तो ऐसे में इस मैच से भी पूरी पूरी उम्मीद है कि ये मैच बहुत ही ज्यादा ब्रूटल एंड फिजिकल देखने को मिलेगा। और क्योंकि अगर ये मैच होने वाला रेसलमेनिया 34 के मेन इवेंट में, तो एक तो वैसे ही WWE का सबसे बड़ा पेपर रेसलमेनिया और उसमें से भी मेन इवेंट में अगर कोई मैच होता है तो फैंस उस मैच से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मैच रेसलिंग वाइज भी काफी अच्छा हो। और अगर मैच रेसलिंग वाइज अच्छा होगा तो चांसेस हैं कि ये मैच में बहुत ही लंबा चौड़ा देखने को मिल सकता है, मतलब इस मैच की लेंथ भी ज्यादा होगी और ये मैच ब्रूटल और फिजिकल भी बहुत ही ज्यादा होगा। वैसे अगर आपको नहीं पता तो हमारा सेकंड चैनल भी लाइव हो चुका है, जहां पर आपको IPL से रिलेटेड बहुत ही धमाकेदार वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने वो चैनल विजिट नहीं किया तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक चीज जो हमें और देखने को मिल सकती है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच में, वो ये कि शुरुआती टाइम में हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस पर जमकर अटैक करें। जैसे कि हमने अभी तक रॉक एपिसोड में देखा, हमें ब्रॉक लेसनर का लड़ाई भारी देखने को मिला, तो हो सकता है मैच के शुरुआती टाइम में ब्रॉक लेसनर जमकर हमला करें रोमन रेंस पर और ऐसा बना दे रोमन रेंस को कि वो आगे मैच में लड़ने के लायक ही नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा रोमन रेंस फाइट बैक करेंगे और इस तरह से लड़ेंगे जैसे कि एक हीरो लड़ता है, मतलब कि हम देखते हैं ना जैसे पहले उस सुपरस्टार को बहुत ही ज्यादा वीक दिखाया जाता है, फिर वो धीरे 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 और अच्छी परफॉर्मेंस अपनी करता है और उसके बाद वो मैच को जीता है। तो अगर ऐसे में WWE का प्लान है कि रोमन रेंस को आगे फेस की तरह लेकर चलना और फैंस के सामने रोमन रेंस को अच्छा दिखाना है तो हो सकता है WWE स्ट्रेटेजी के साथ भी चले और शुरुआती टाइम में हमें रोमन रेंस की जमकर धुलाई देखने को मिले। इसके अलावा कुछ इस मैच की पॉसिबिलिटी की बात करें जो हमें देखने को मिल सकती है और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगी, वो है रोमन रेंस का हील टर्न। जैसे कि मैं आपसे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, अगर WWE रोमन रेंस को हील बनवाना चाहती है, क्योंकि वैसे भी उन्हें वहां बैठी ऑडियंस की तरफ से इतना अच्छा सपोर्ट तो नहीं मिलता, तो अगर ऐसे में WWE के प्लान्स हैं रोमन रेंस को हील टर्न बनाने में, तो हो सकता है हमें पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को धोखा देते हुए दिखाई दें और उसके बाद WWE अगर ये भी चाहेगी वो पॉल हेमन का सही तरीके से यूज करे तो हो सकता है वो आने वाले टाइम में हमें रोमन रेंस को मैनेज करते हुए दिखाई दे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी ये भी सामने आ रही है कि हमें इस मैच के अंत में या फिर मैच के बीच में या फिर कहीं पर भी हमें कोई सुपरस्टार इंटरप्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं और वहाँ पर एक बड़ा नाम है बॉबी लैशली का, साथ ही साथ समोआ जो भी हमें इस मैच में इंटरफेयर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि रेसलमेनिया के बाद कुछ इवेंट पर रोमन रेंस वर्सेस समोआ जो के मैच को एडवर्टाइज किया जा रहा है, तो ऐसे में मानना ये कि शायद हो सकता है हमें रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए समोआ जो से फ्यूड करते हुए दिखाई दें। तो गाइस, इसी रेसलमेनिया 34 में होने वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में कुछ बातें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं और क्या आप चाहते हैं कि यही मैच हो रेसलमेनिया 34 का मेन इवेंट। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।